रात अंधेरे जागे तारे या मैं जागूं रोगी हो रात अंधेरे जागे तारे या मैं जागूं रोगी रोगी मैं हो गई रोगी। अगर तुम्हारे दिल से अभी तक वो इज्जत और गैरत वाली बात नहीं निकली ना तो एक काम कर अंदर जाकर उसको गालियां दे ताकि तुम्हारा दिल ठंडा हो। मैं यहाँ गालियां देने नहीं आई हूँ भाई, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये तो अम्मी जान मुझे घसीट कर लेकर आई हैं। झूठ बोलते हो तुम, मैं अब तक तुम्हारे लिए आपसे तुम नहीं बनी तो तुम्हारी आदत कैसे बन गई हूँ। हाँ तुम चलोगी या मैं सब कुछ यहीं ले आऊं? ये आपकी दाल और ये आपका चिकन शाशलिक। मैं सर्व करता हूं। आप ये दाल चेक कर देखिए कैसी। दो कर दीजिएगा और मिर्च जरा कम रखिएगा इसमें। थैंक यू। बस कीजिए, इतना पानी पियेंगी तो खाने की जगह ही नहीं बसेगी पेट में। वो अंदर तक चल गया सारा। आजकल की सब्जियों में टेस्ट तो होता ही नहीं है। तो पता नहीं ये इतनी तीखी सब्ज मिर्च कहां से आ गई, और लाल मिर्चें तो मैंने डाली नहीं थी। पहला इंप्रेशन ही बुरा पड़ गया आपको। चिंता क्यों हो रहे हो, वैसे भी खाना बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सही कह रही हैं, मुझे आपको बनाने देना चाहिए था वो जो आप बना रही थी नूडल्स वगैरह। अच्छा ना, बस कल मैं बुरा खाना बना के बदला ले लूंगी। ठीक है। हाय लवर्स।
थैंक यू यार. पता है इंसान को तुम दोनों जैसा होना चाहिए. हर चीज को एंजॉय करते हो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हो तुम दोनों. ऐसा ही होना चाहिए इंसान को. ऐसा नहीं कि इन्हीं फिक्रों में पड़ा रहे कि गैस और बिजली के ऊपर सरचार्ज कितना आया, डॉलर के रेट कितने बढ़ गए, स्टॉक मार्केट कितनी गिर गई, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे क्या चल रहा है, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है. चिल्लर में जिंदगी गुजार रहे हो. ऐसा ही सही है, बिल्कुल सही है. तुम कुछ ऑर्डर कर लो ना अपने लिए. नहीं यार, मैं पार्सल करा के ले जाऊंगी. अम्मी घर पे अकेली है ना, उन्हीं के साथ खाऊंगी. थोड़ा सा तो ले लो. पता है ये हम दोनों भी इसी रेस्टोरेंट में आते थे, लेकिन तुम दोनों की तरह यूं हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के नहीं बैठते थे. हर वक्त प्लानिंग, हिसाब किताब यही चलता रहता था. लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. इंसान को प्रेजेंट में रहना चाहिए. पास्ट फ्यूचर इन चीजों में जो लोग रहते हैं ना, वो झक ही मारते हैं. हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि पास्ट में क्या खराब हो गया, क्या किया हमने. फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं. ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है. और वैसे भी जिंदगी गुजारने की तैयारी नहीं करनी चाहिए. बस जिंदगी के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, तभी इंसान जिंदा रहता है. कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? I mean, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बल्कि हम बहुत खुश हैं. बहुत खुश, क्योंकि अब हम दोनों साथ नहीं है. क्या? हाँ, ब्रेकअप. ब्रेकअप? हाँ यार, जब रिश्ता कारोबार बन जाए ना, बंटवारा हो ही जाता है. वही हुआ. It's okay. हिस्सा है जिंदगी का ये सब भी. कोई बात नहीं. नहीं यार, सोच लिया अब मैंने. अब ऐसे किसी आदमी के साथ नहीं रहना जो जिसका रवैया जो है ना बिजली गैस के बिल के साथ बदलता रहे. नहीं चाहिए मुझे ऐसा लग्जरी अपार्टमेंट जिसकी किस्तों पे इंसान लड़ता रहे. किसी ऐसे आदमी के साथ रहूंगी जो बस खुश रहे, चाहे वो मुझे झोंपड़ी में क्यों ना रखे. परिसा, मुझे आज समझ में आया कि तुम अपने घर की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर इस फटीचर बाइक पे क्यों बैठती हो. इसका नाम अरमान है, लेकिन तुम्हारे दिल में ये कोई अरमान रहने नहीं देगा. आपका बंदा वो नहीं होता जो मर्सिडीज में अरमानी का सूट पहन के मूड बना के बैठ जाए. आपका बंदा वो होता है जो रिक्शे के झटकों में भी आपको संभाल संभाल के चले. ओके, बाय बाय. चलो जगह चलते हैं. चलिए. से हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, वो मुझसे हुए. सर्दी लग रही है ना आपको? हाँ. मुझे भी, इसीलिए तो गाना गा रहा हूं. तुम अपनी हर तकलीफ में गाना गाते हो. किस से इज़हारे मुद्दा कीजे. गाना गाना जरूरी है? जब भी किसी तकलीफ में होता हूँ तो गाना गाने लगता हूँ. किस से
इज़हारे मुद्दा कीजिए। हाँ ब्रेकअप। आप मिलते नहीं हैं क्या, कीजिए। आप मिलते नहीं हैं क्या, कीजिए। मुझको आदत है रूठ जाने की। आप मुझको मना लिया कीजिए। आप मुझको मना लिया कीजिए। एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। आप मिलते नहीं हैं क्या, कीजिए। क्या कर रहे हो? वो रात वाली दाल चेक की थी मैंने अभी, बाकी सब तो ठीक है, आई मीन गुजारे लायक है, लेकिन वो मिर्चों ने सारा काम खराब कर दिया। आपको पता है अम्मी जान क्या किया करती थी? रात को जो भी दाल या सब्जी बचती थी ना, उसमें वो अंडा फेंट कर डाल दिया करती थी, तो कुछ अजीब सा मजे का बनता था। वही ट्राई कर रहा हूं मैं भी। तो ये सब करने के लिए तैयार होना पड़ता है? एक ही तो अच्छा ड्रेस है तुम्हारे पास, वो भी किचन में खड़े होकर खराब कर रहे हैं। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये टिपिकल बीवियों वाला जुमला सुनकर। ये बीवी वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। किसी से मिलने जा रहा हूं। किससे? सारा से। क्यों? ऐसा करवाना है उनका। मजाक कर रहा हूँ। उसके ऑफिस से कॉल आई थी, कोई वैकेंसी खाली है, वो चाहती है मैं आकर उसके बॉस से बात कर लूँ, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा। 17 ग्रेड की सैलरी है, 40-50 हजार रुपये मिल जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि बाद में कंफर्म हो जाए। और जहाँ पे तुम्हें 1.5 लाख की सैलरी मिल रही है कंफर्म्ड, वहां तुम मुंह बना रहे हो। You mean, तुम्हारे पापा के ऑफिस में? ठीक है, तुम जाओ उधर, सारा ने बुलाया है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। What do you mean, परीसा? तुम जानती हो कि वो जॉब मैं क्यों रिफ्यूज कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे पापा के ऑफिस में काम नहीं करना चाहते, इसलिए। ऐसी बात नहीं है, मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ उस ऑफिस में काम नहीं कर सकूं, क्योंकि वो मैरिट नहीं, फेवर है। और हमारा रिश्ता, वो भी तो मैरिट नहीं है ना, फेवर है। क्या बातें कर रही हो तुम? ये सच है अरमान, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम चिल्ला रहे हो, मुझे घसीट रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मोहब्बत और मुलाजमत को क्यों एक साथ मिला रही। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मुलाजमत लगती है।
कि क्या बातें कर रही हो तुम। मुझे लगता है कि तुम रात में ठीक से सोई नहीं, जाकर आराम कर। मैं वापस आता हूं तो फिर बात कर लेंगे। इसमें बात करने की जरूरत नहीं है अरमान, तुम जिस मुलाजमत के लिए जा रहे हो ना वहीं अपनी मोहब्बत भी तलाश कर लेना। सारा तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है, तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो, एक साथ रह सकते हो, एक आइडियल लाइफ बन सकती है तुम्हारी। कि क्या बातें कर रही हो तुम। यही सच है अरमान, आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है। वो भी टूटी हुई है और तुम भी महरूम हो। जो कल होना वो आज ही हो जाए, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी। बेस्ट ऑफ लक। चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। क्या हो गया, क्यों ऐसा मुंह बनाकर बैठे हो? अब ये शक्ल अंदर लेके जाओगे ना तो कोई कंसीडर नहीं करेगा तुम्हें। अब बता भी तो क्या प्रॉब्लम हो गई है, कल रात तो इतने खुश नजर आ रहे थे। बीवी से तो तुम्हारी लड़ाई नहीं हो सकती, किससे मुंह मारी करके आयो? बीवी से झगड़ा हो? सब मेरा कसूर है, मेरी नजर लग गई तुम लोगों को। बात क्या हुई है? I don't know. कुछ complicated सा है। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब बात काफी लंबी है। तुम ऐसा करो कि टेम्पररी सा ना अपना मूड अच्छा कर लो, मैं तुम्हें बॉस के पास भिजवा रही हूँ। ओके प्लीज एक मिनट रुक जाओ अभी। यार वो मीटिंग में चले जाएंगे, टाइम नहीं है उनके पास ज्यादा। और जितनी मैंने तुम्हारी सच्ची झूठी तारीफें की है ना वो सब खाक में मिल जाएंगी। और अगर ऊपर से किसी की पर्ची आ गई ना तो एक्चुअली वो चाहती हैं कि मैं ये जॉब ना करूं। क्यों? क्योंकि उनके अब्बू ने भी मुझे एक जॉब ऑफर की है जो मैं करना नहीं चाहता। फिर तुम एक काम करो, अपने ट्यूशन पढ़ाओ और वो करो जिसमें आपकी बेगम खुश है। हाँ तो उसमें भी खुश नहीं है। तो ये कौन सा ड्रामा कर रहे थे तुम लोग मेरे सामने कल रात को? फजूल में इंप्रेस हो गई मैं बस। वो भी ड्रामा नहीं था ना, हम एक्चुअली खुश थे। I don't know, आज सुबह उठ के उनका दिमाग क्यों घूम गया। हाँ? जी बॉस। जी बिल्कुल वो यहीं पे हैं, एक्चुअली वॉशरूम गए, मैं भिजवाती हूँ आपके पास। जी जी बस दो मिनट। देखो किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रही है, ठीक है? अब तुम्हें उसे खोलना है या नहीं ये फैसला जल्दी कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम है जब तक तुम वॉशरूम से वापस आ जाओ। दो मिनट सोच लो, अपनी बीवी को मना सकते हो या नहीं? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? वो ट्यूशन के लिए जो धिक्के खाते हो उससे तो अच्छा है ये स्टेटस, या फिर वो इस बात को इशू बनाकर ये चाहती है कि तुम उसके बाप के ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हुए नजर आओ उसे? रिवॉल्विंग चेयर में भी इंटरेस्ट नहीं है उन्हें। फिर I don't know, कैसे बताऊं अब? यार तुम्हें जो भी करना है ना तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मैं इतनी देर तुम्हें वॉशरूम में बिठा कर नहीं रख सकती। जो आप नहीं करनी सीधा सीधा बोल दो, मैं बता दूंगी उन्हें तुम्हें ऑफिस के वॉशरूम पसंद नहीं आए, इसी बहाने वॉशरूम भी इंप्रूव हो जाएंगे। उन्हें तुमसे प्रॉब्लम है। मुझसे? उन्हें लगता है कि हम दोनों फिर से पास आ जाएंगे और तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लोगे। ऐसे गलत नहीं सोच रही हूँ। बोला भी था सर,
फिर भी भिजवा दिया आपके लिए। किस लिए भिजवाएंगे? जॉब की खुशी में। मुबारक, मैंने कहा था ना कि वो बहुत खुश हो। For you. तुम जानते हो मुझे स्वीट पसंद नहीं है। बोला भी था सारा को, फिर भी भिजवा दिया आपके लिए। किस लिए भिजवाएंगे? जॉब की खुशी में। मुबारक, मैंने कहा था ना कि वो बहुत खुश हो। क्यों, तुम खुश नहीं हो? खुश तो किया है ना मैंने। सत्रह ग्रेड की जॉब है, 45,000 समथिंग सैलरी बनेगी। दो तीन बजे फारिग हो जाऊंगा, ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊंगा साथ, तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अच्छी बात है। क्या ना परीसा, कुछ दिन के लिए मुझे सारा के साथ रहना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा, तभी तो काम सीख सकूंगा। तो अब ऐसा है कि आप कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ रहने चली जाएं। क्यों, उसे यहां लाना? नहीं, मुझे उसके पास जाना है। वो क्या है ना परीसा के, उसका घर ऑफिस के नजदीक है और मेरा दूर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उसके पास रहने चला जाऊं, उसके घर। तुम जाओ, मैं यही रहूंगी। तुम यहां अकेली रहो। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहां अकेली नहीं रह सकती। तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले कि मैं कहां रह सकती और कहां नहीं? ये मेरी मर्जी है। ठीक, तो फिर मैं उसको यहीं ले आता हूं। नहीं, क्यों? मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो तुम्हारे साथ रूम क्यों शेयर करेगी? निकाह करके लाओगे? ये तो बात की बात है। तुम? मैं क्या? कुछ नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, बोलिए, मैं क्या परीसा? तुमने बहुत जल्दी कर दिया अरमान, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी जल्दी खुल जाओगे। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहां से। जाओ, रहो जिसके साथ भी रहो। तुम तो नाराज हो गई। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। साफ साफ दिख रहा है कि तुम नाराज हो। कमाल करती हो तुम, सुबह में विश करती हो, शाम में मुंह बनाती हो।
वैसे इतना प्रेशर तो मेरी माँ ने कभी नहीं दिया मुझे किसी लड़की से शादी करने के लिए जितना तुमने मुझे दिया है सारा से शादी के लिए। अब मैं एफर्ट कर रहा हूं तो तुम नाराज हो रही हो। तुम जाते हो यहां से या नहीं? ठीक है मैं मना कर दूंगा उसको। अब अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर ही लिया है तो मैं भी बैक ऑफ कर जाता हूँ। लेकिन हमने ज्यादती की उस बेचारी के साथ। वैसे क्या सोचेगी वो? उठाओ अपना सामान यहां से और जा। मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ उसको प्रपोज किया। ठीक है बोल दूंगा उसे कि मजाक कर रहा था। तुम अपसेट मत हो, ले लूंगा तुम्हारी खातिर अपना प्रपोजल वापस। हाँ बेचारी सारा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। घटिया इंसान, झूठे, मक्कार, मुनाफिक। तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ एक इशारे की जरूरत थी, एक मौका तलाश कर रही थी। मिल गया तुम्हें तुम्हारा मौका, उड़ गई ना तुम्हारी मोहब्बत यूं हवा में। तुम्हारी आदत खत्म हो गई बस एक ही दिन में। कल तक मैं तुम्हें कह रही थी कि मुझे छोड़ के चले जाओ, बर्दाश्त नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, बोझ नहीं उठा सकते मेरा। लेकिन तब तुम्हारी मोहब्बत मेरे कदम चूम रही थी। तुम एक बेगैरत, बदजुबान, झूठे आदमी हो। आई हेट यू। ने कहा था ना मेरी आदत मत बनो, मत बनो मेरी आदत। मैंने कहा था मेरे पास जो अपनी बची खुची जात बाकी उसके साथ रहने दो मुझे, लेकिन तुमने वो भी छीन ली मुझसे। चले जाओ यहां से, दफा करो अपनी शक्ल मेरे सामने से। नहीं। क्यों, क्या कहना बाकी और क्या चाहिए मुझसे? हाँ ना सर, रोई है भी हाँ। ना रोएंगी ना, जब हिसाब बराबर होगा हम दोनों का। किस किस चीज का हिसाब? अरे आंसू जो आपने मुझे 18 किलोमीटर का रास्ता है, बीच पे 5 सिग्नल पड़ते हैं, कुल मिलाकर 40 मिनट रोता गया हूं ऑफिस। 30 मिनट रहते हैं अपनी परीसा, 30 मिनट और रोएंगी ना तो हिसाब चुकता होगा। समझती क्या हो तुम मुझे? वैसे यही सब जो गुस्से में बोला, हवारा, लफंगा, छिछोरा, धोखेबाज, दगाबाज, फ्लर्ट। मेरी मोहब्बत तो तुम्हारी जूती की नोक पर है ना, दिल किया ठोकर मार। ये मोहब्बत है, ये इत्माद है, मुझ पे ये यकीन है। ये तो एक आम सी लड़की थी बेचारी सारा मजीद। मेरे सामने वो क्या है सारा माइकल, सारा फर्गुसन, वो भी लाके खड़ी कर दोगी ना? मुड़ के नहीं देखूंगा उनको। कोई इंटरव्यू नहीं देने गया था मैं, सिर्फ रोते हुए यह बताने गया था कि मुझे वहां पे जॉब नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा के ऑफिस में जॉब करनी। फिर ये सारी बकवास क्यों कर रहे थे तुम? बोला ना हिसाब चुकता करना, सारे आंसुओं का जो तुमने मुझे दिए मैं भी तुम्हें रुलाऊंगा।
क्या तुम्हें यकीन था कि मैं रोऊंगी? क्योंकि अगर मैं रोया था तो तुम भी रोगी। अच्छा अब ये रोना बंद करो, और कितना कर चढ़ाना है मुझ पे? हमेशा ये फाइनेंस मैनेजर का इशू लगे क्यों बैठ जाता? सर एक चैनल है काम का, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो इश्यूज तो होंगे। तो बेटा मैं देख तो रहा हूँ ना सब, आई एम मैनेजिंग ऑल दिस। सर यही तो मसला है कि आप सारी चीजों को खुद लुकआफ्टर कर रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारी चीजें पेंडिंग में जा रही हैं। सर कभी आपकी वजह से चीजें डिले हो जाती हैं, कभी फाइनेंस मैनेजर के ना होने की वजह से डिले हो जाती हैं। भाई तो उसे एक अच्छी जॉब मिल गई तो क्या करें, रोक लें उसे? बट सर हमने तो सुना है कि उसको जॉब मिली नहीं है, आपने दिलवाई है। चलें यूं ही सही, बट ही डिजर्व दैट। हर इंसान को तरक्की करने का हक होता है। यस अच्छा मैं मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। आप ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट वीक इस जॉब का एडवर्टाइज करवा दी, लोग आ जाएंगे। क्या इश्यूज? ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। बैठो बैठो बैठो। खैरियत है ना? जो मैं समझ रहा हूँ वही बात, कोई और मसला तो नहीं है ना? नहीं पापा, वो अरमान को जॉइन करना था। What? Really? जी सर। अरे भाई तुम भी कमाल करते हो, मैंने तुम्हें ऑफर की तुमने मना कर दिया, तुम्हारी बीवी ने कहा तो फौरन आ गया। गुड, वेरी गुड। मैडम हमारे पास कोई तकरीबन 75 एप्लीकेशन आई हैं, और जहेज जोड़े और शादी का फंक्शन मिला के जो खर्चा बनता है उसमें हम सिर्फ 30-35 एप्लीकेशंस ले सकते हैं। यार इसकी कुरंदाजी का भी इवेंट हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होगा, इसी से हाइप क्रिएट हो जाएगी। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, जितनी भी एप्लीकेशंस आई है ना सबको कंसिडर कर लें। मैडम ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा, मेरा ख्याल में तकरीबन 50 लाख से बढ़कर कुछ तकरीबन 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। कोई बात नहीं यार, अब इतना खर्चा कर ही रही हो तो किसी तगड़े चीफ गेस्ट को बुलाओ, बल्कि सीधी से बढ़कर कोई और पर्सनालिटी हो सकती है। हाँ नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जब कोई चीफ मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है तो मीडिया की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मीडिया शीडिया की, मैं तो ये सब कुछ एक सदके के लिए कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए दुआएं चाहिए। सदका और खैरात ही सही, फिर एक नेक काम को अगर तुम प्रोजेक्ट बना लोगे तो अच्छा हो जाएगा। इस शहर में कहाँ कहाँ नेकियां करने वालों के लाल पीले नीले हरे बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं मेरा ख्याल में मैडम ठीक कह रही हैं, ये सब कुछ सदके और न्याज की नीयत से करना चाहिए, ताकि उसकी बरकत से इन दोनों की जिंदगी खुशहाल और पुरमसरत हो सके। आमीन।
हाँ 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 बताओ ना क्या खुशखबरी है। मेरे पास इस वक्त पहेलियां बूझने का टाइम नहीं है। बोलो। रियली दैट्स ग्रेट। ओह माय गॉड ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। ओके ओके। पता क्या हुआ? अरमान ने हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Hey. Hello and good morning, everyone. I have your attention, please. All of you, come, 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 come. Thank you. आप सब ने अपने अपने बचपन में यकीनन वो कहानियां सुनी होंगी या पढ़ी होंगी जिनमें एक बहुत खूबसूरत शहजादी होती है और वो अपने माँ बाप के सामने अपनी शादी के लिए बहुत अजीब और गरीब सी कोई मुश्किल सी शर्त रख देती है और फिर उस शहजादी को हासिल करने के लिए इर्द गिर्द के सारे शहजादे वजीरजादे अमीरजादे उस शहजादी की शर्त को पूरा करने निकल पड़ते लेकिन सब के सब नाकाम लौटते और फिर कहीं से एक गरीब नौजवान बरामद होता है और शहजादी का दिल जीत लेता है सबको हैरान कर देता है। अरमान की क्वालिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि मेरा दामाद है क्योंकि ये वो नौजवान है जिसने सारे शहजादों वजीरजादों और अमीरजादों को शिकस्त दी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में आप सबको भी हैरान कर देगा। थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो बैक टू योर वर्क। आइए अर्शद साहब जो रूम दिखा दें। आओ बेटा। Now this is your office, the general manager's office. Have a seat. शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। हाँ? मैं यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट हूँ सर, तो ऐसे ट्रीट करेंगे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अरे बैठ जाओ सबऑर्डिनेट। भाई मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से 12 साल बाद मेरी बेटी मेरे ऑफिस आई है और उम्मीद है अब आती रहेगी। हाँ आओ इधर आओ इधर खड़ी हो खड़ी खड़ी खड़ी। इस यादगार मौके पर एक तस्वीर हो जाए। साथ साथ खड़ो साथ साथ खड़ो। हाँ शाबाश। और अब ये तुम लोगों की एक यादगार तस्वीर। से इज़हार मुद्दा कीजे। क्या तकलीफ हो रही है? आप कह रहे हैं ये पुल कहाँ से तोड़ा है? कहाँ पर है सर? वो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को मुझे आजाद करे जिसने बर्बाद किया। Bye.